दोस्तों, दुनिया जब इतनी तेज नहीं थी और डिजिटल के नाम पर पेट्रोल पंप और पीसीओ पर पैसा दिखाने वाली मशीन भर होती थी, कुछ थे जिनके पास डिजिटल घड़ी भी होती थी। तब और तब से पहले भी दुनिया के काम चलते थे, लोग पैदा होते और मरा करते। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बीच शादी भी करते, बच्चे भी होते। जब ऐसा कुछ होता तो निमंत्रण आता, वहां तो भोज भी होता, उसमें खाना मिलता। खाना जो होता वो आज के जैसा नहीं मिलता, बुफे का कोई हिसाब नहीं था। बैठकर भी खाते तो प्लेट जो है वो आज के जैसी डिस्पोजल वाली नहीं होती थी। उस समय पत्तल मिला करती थी और कुछ गाढ़ा पतला हो, रायता खीर जैसी चीज हो तो उसके लिए डोना मिलता। पत्तल यानी पत्तों से बनी हुई प्लेट जिस पर आप भोजन कर सकते हैं। भारत में सदियों से विभिन्न वनस्पतियों के पत्तों से बने पत्तल संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा रहे हैं। भारत में तो कोई भी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्सव इनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। इन समारोहों में आने वाले अतिथियों को इन पत्तलों पर ही भोजन परोसा जाता था। गांव में शादी ब्याह में पत्ते से बने डोने और पत्तल में बरातियों और रिश्तेदारों को भोजन करवाया जाता था। किंतु जैसे जैसे समाज आधुनिकता यानी मॉडर्निटी की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे पहनावे, खान पान, रीति रिवाजों में बदलाव आया। इसके साथ ही हमारे खाने के तरीकों में भी परिवर्तन आया और हमारे शादी समारोहों में भी हरी पत्तल की जगह डिस्पोजल प्लेट्स, प्लास्टिक प्लेट्स ने ले ली। ये प्लेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक हैं ही, वहीं पर्यावरण प्रदूषण का भी बड़ा कारण है। प्लास्टिक को गलने में हजारों साल लगते हैं। सरकार द्वारा पहले थर्मोकोल फिर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का फैसला सराहनीय है, किंतु अब लोग इनकी जगह पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि पेपर प्लेट्स के ऊपर भी हल्की प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है। इस पर जब गर्म खाना परोसा जाता है तो यह हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। पत्तल में खाना खाना हमारी पुरानी संस्कृति का हिस्सा रहा है, ये कोई दकियानूसी बात नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ही ऊंची है। भारत में पत्तल बनाने और इस पर भोजन करने की परंपरा कब शुरू हुई, इसका कोई प्रमाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। वैसे तो पत्तल कई पेड़ों के पत्तों से बनाई जाती है, किंतु अगर बात करें हिमाचल की तो यहाँ पत्तल टौर नामक बेल के पत्तों से बनती है। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है। पत्तल पहाड़ की एक ऐसी थाली है जिसमें खाना खाने का मजा ही कुछ और है। यह पत्तल पर्यावरण मित्र थाली भी है और यह थाली टौर के पत्तों को घास व बांस के तिनकों से जोड़कर बनाई जाती है, किंतु अब बहुत ही कम परिवार इस पेशे से जुड़े हैं। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि हम जिस पत्तल को भूल रहे हैं वो जर्मनी बना रहा है। जर्मनी में पत्तलों को नेचुरल लीफ प्लेट्स कहकर इसका भरपूर उत्पादन हो रहा है। दरअसल यहाँ लीफ रिपब्लिक के नाम से एक स्टार्टअप शुरू हुआ और इन लोगों ने पत्तों से पत्तल बनाने का काम शुरू किया। इसके लिए फंडिंग का जुगाड़ भी किया। इसके लिए उन्होंने फैक्ट्री तक बना डाली जिससे मशीनों में प्रेस करके प्लेट व कटोरी बना रहे हैं। उनका दावा है कि ये प्लास्टिक के बराबर ही मजबूत हैं, किंतु इन्हें गलने में देर नहीं लगती। इनका धंधा इतना बढ़ गया है कि अब तो ये नेचुरल लीफ प्लेट्स को बाहर विदेशों में भी भेजने लगे हैं। अब हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर हम सब पत्तल का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने के साथ साथ इस परंपरा को बचाने में लगे लोगों की भी मदद कर पाएंगे।